बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने सारे भैन भाई? अल्लाह शुक्र असी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो मेरे भैन भाई देश परदेश तो देख रहे हैं, अल्लाह पाक साहब नू सलामत रखे और देरों खुशियां नसीब फरमाए, आमीन सुमा। मेरा टाइम तकरीबन हो चुके है, दोपहर तक मैं आया हुआ तो कम उधर कोई नहीं चलिया, मजीद होर काम जड़ा मतलब भाई नू मिले है, लेकिन मेरे को जान ही नहीं होया, क्योंकि एक तो रेस्ट करनी बहुत जरूरी है। दिन रात समझो कि असी काम नू जड़ा ना लगे रहे हैं, समझो कि तकरीबन रात 9-9:30 बजे तक करना, उदू फिर सुबह दी सिर्फ फजर दी नमाज़ पढ़ के मैं तो निकल जाता सी, नाश्ता वगैरह सिर्फ चाय या फिर लस्सी वगैरह ना करके तो चला जाता। टोटली 5-6 घंटे जड़ा ना रेस्ट मिलती सी, ते बाकी हुण मौसम जड़ा ना खुलिया लेकिन काम साडा नहीं चलिया। मेरा दिल है हुण जाके वाल वगैरह कटावा, दाढ़ी शाड़ी बनवावा, तो फिर मजीद जो भी रूटीन हो तुहाडे नाल शेयर करा। मम्मा अली ने पैड़ा चंगा नहाया है और कपड़े चेंज करा, बंदा सही तरह नहा लैंदा है। ए इहदू वेखो ना, ए वेखो इहदियां बाहवां च मैल है, चंगी तरह नहा पहले तो फिर कपड़े चेंज करी। चल अगा कोई नहाण दा तरीका तो सीख लै, रख च कपड़े एक बार अगा हो जा, चला जा नहा के आ, अम्मी नवे कपड़े नहीं पाने। और अम्मी और ने कल पैसे दिते सी मेरे ख्याल है मंजी आले नू, मंजी एक नवी जरूरी आ, क्योंकि अली मम्मद भी इत्थे हुंदा ते फिर मंजी गवांडियां नू मंगनी पैंदी सी, ते उन्होंने कल दिती कोई नहीं, उन्होंने आखे साडे पुराने आने, लेकिन उन्हां दे मेहमान वगैरह कोई नहीं सी आए। बहरहाल किन्नी चेर कोई देर दे सकदा, प्राई चीज़ हुंदी है, उन्हां दा दिल करे देण ना देण। ते कल भाई आए हुए सी, उन्दे कोल कोई थोड़े बहुते पैसे हैगे सी, ते साई वाली समझो कि मंजी बनवाई आ, और उन्हें भाई ने फोन किया, उन्हें आखिया तकरीबन 1.5-2 घंटे तक जिहड़ा ना मंजी रेडी हो जाए, तुसी अपना लै जाए जे तुहानू फोन कर दिता जाएगा। पहले जाके बाल वगैरह कटा के आके फिर नहाने नुहाने, तो उन्नी देर मंजी भी बन जाएगी, जाके फिर मंजी भी चाहनी आ। तो मोटरसाइकिल भी मेरी काफ़ी समझो कि तरक्की पई आ, इहनू भी जिहड़ा ना धोना है अज्ज। ऐ चेक करो किन्ना ज़्यादा इंदे उत्ते जड़ा ना ऐ चिक्कड़ जिहा लग गया होया। बाकी पट्ठे ते अज मैं समझो कि वाधू लै आंदे होए ने, 2 तोड़े लै आंदे सी, एक छापर जैगा सी वो बोरे वर्गा और दूसरा एक बोरी हैगी सी, ते समझो कि कल दोपहर तक पट्ठे साडे कोल होण नहीं मुकदे। अम्मी औरी सुबह दे बकरी चो के तो चाय बना रहे, मैनू पता ही कोई नहीं सी हैगा, मैं विलॉग एडिटिंग किया तो मैं फिर विचू कोई भी पार्ट जिहड़ा ना मिस नहीं किया, जिस तरह अम्मी और ने बनाए सी अली मम्मद ने वो सारे दे सारे लगा दिते आ। और तहकीकात की है कि अस या क्यों अम्मी और नाल हर टाइम जिहड़ा ना लड़ती रहती है, असल कल थोड़ा जिहा मसला इंज बनया। मिसाल तौर पर अबू मैनू चिड़क लवे या मेरे बेटे नू, एक ही गल है, तो कल मजाक मजाक च अबू तो मम्मा अली लगे खड़े सन, तो उतू मतलब है कि अली नू कोई माड़ा जहा ना धक्का वजह कि वो गिर गया, रोन लग पिया, उतू बस थोड़ी जी जड़ा ना तू तू मैं आसिया तो अबू दी हुई आ, तो जड़ी वजह तू आसिया ने कल दा मूँह वटिया होया। इनू बड़ा समझाया कि अपना होर कोई टिकाणा नहीं हैगा, ठीक है ना। बाकी एक भाई है जो बहन कमेंट कर रहे सन कि तुसी अपना कोई घर का बंदोबस्त करो, इंतजाम करो, गल करनी बहुत सौखी है लेकिन बोल पालने बहुत औखे होंगे ने, हालात तुहाडे सामने ने, मैं किस तरह घर का कोई बंदोबस्त कर सकना, मैं सिर्फ और सिर्फ घर का सर्कट चला सकना, जो कि अजकल महंगाई के हालात ने, ना कि घर का किराया दे सकने, घर किराए ते लिया तो फिर उत्थे बिजली का बिल भी होना, पानी भी मुलदा, गैस भी चलेगी, तो किस तरह मैं निज़ाम चला सकना, ठीक है ना। ना कोई मेरी होर एडी खासी इनकम है, ना मतलब एक काम ऐसा मिल रहा जिंदे चु कोई मैनू 25-30 हज़ार रुपया जड़ा है ना कमो बेश महीने का होवे, तो मेरा ये घर का सर्कट चल सकता है। फिलहाल मेरे कोई टिकाणा नहीं हैगा, कोई होर बंदोबस्त नहीं हो सकता हाल की कड़ी ते, अगर सर्दियाँ आन गए तो फिर वेख्या जाएगा। बाकी आसिया काफ़ी समझाया कि अम्मी अबू और ना लड़िया कर, उन्हों की खिदमत कर, सवाब मिलेगा, कल नू एस भी वड्या होना है,
इन्दे भी बच्चे होंगे, इन्दे बच्चे या इन्दे घर दे सानू तंग करनगे तो कितना दुख लगेगा सानू। की ख्याल है आसिया, बोलदी नहीं आसिया, दस ना इन्दी जदों बीवी तैनू झिड़कां देसी हैं फिर तेरा की बनेगा। और आसिया ने मतलब है कि अपने माँ प्यो नाल ही बिगाड़ी हुई हैगी, ना मतलब है कि माँ जोगी है ना प्यो जोगी है, ऐतकी प्यो नाल भी बिगाड़ आई है, पहले कोई नहीं सेडा बोलता ऐतकी मजीद बिगाड़ आई है, और माँ पहले भी नहीं बुला के राजी। मैनू समझ नहीं आती आसिया ने जाना तो जाना केंदे को लेगा, तो मैं तो बिल्कुल अपने माँ प्यो नू छड़ के नहीं जा सकता, ना ही मेरा कोई होर टिकाणा, ना कोई एहसास करने वाला भाई है, उन्हें अपने बच्चे नू अपने बच्चों च मतलब है कि मसरूफ है, ना ही उन्हें कोल अपनी जगह सीधी जगह तो पराई आस बिल्कुल जी है ना उनका एक किस्म का कोई आसरा नहीं होंदा। बहरहाल जिस तरह अल्लाह ने मतलब है कि अल्लाह नू अच्छा लग्या होया साडे हक च वो बेहतर कर रहा, असी जितनी भी कोशिश कर लीए ना इनू मतलब है कि चेंज करन दी, जिन्ना चिर अल्लाह पाक नू मंजूर नहीं होना वो नहीं हो सकता। मज है अम्मी अबू होरां दी, लेकिन ये इस वास्ते इन्होंने दुध इस्तेमाल नहीं किया कि आसिया ने उन्हें चारा वगैरह पाया और दुध भी वो ही इस्तेमाल करेगी। मैं इन्हों आप भी आख्या अम्मी होरां नू कि तुसी आसिया दे मूँह नहीं मेरे मूँह वल वेखो, तो मेहरबानी करो आपस सलाह साथ सलूक नाल रहो, तो उन्हें भी बहुत समझाया अम्मी अबू तो अगे ही काफ़ी सारे मतलब शरीफ ने, कदे उन्हें अपने नौवां नाल नहीं वादी घाटी की, ना वड्डी नाल करते सन ना आसिया नाल करते, अपने बच्चों तरह रखते हैं, लेकिन आसिया तो थोड़ा जहा ना दिमाग खराब होया है, अल्लाह करसी है भी ठीक हो जासी। सख्ती वगैरह मैं नहीं कर सकता, प्यार नाल ही समझाना है, मैं सख्ती करांगा, मैं इत्थों काम ते जावांगा, अल्लाह जाने किहड़े पासे मूँह करेगी, मैनू भी इस गल तो डर आउंदा जी, तां करके मैं मतलब उहदे नाल सख्ती नहीं वरत सकता, सिर्फ प्यार नाल ही समझा सकना। चलने आ टाइम वक्त जाया किते बगैर जाके ते अपने बाल वगैरह जिहड़े कटिंग करा के आउंदे, क्योंकि इन्हां नूं गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद लगती है ना कि मेरा ऐ समझो कि मत्था बहुत ज़्यादा दुखन लग जाता। ठीक है जबरदस्त, पहली बार ऐसा स्पेशल जड़ा ना करवाया, नहीं तो पिंड वाले थावे समझो पिंड वाले काम और शहर वाले थावे ते शहर वाले काम, तो मैनू तो आप नू नहीं सी पता कि मतलब कि इस तरह का जड़ा ना शहर स्पेशल वगैरह भी कर देंगे, तो सारा कुछ कलर वगैरह ये वो काफ़ी सारे यानी कि ना मतलब कि कटिंग पेंट सिर्फ करवाना है से, और भाई उन्होंने काफ़ी सारा कंप्रोमाइज किया, और कटिंग वगैरह मैं करा के आ चुका और पता नहीं मैं लगता किस तरह पिया होगा, लेकिन पिंडा थावां ते ना समझो कि सुकून माहौल आ, शहर गया और बंदा भी समझो कि नवा हैगा सी, लेकिन फिशल किया ये वो मैनू इन्हां चीज़ां का नहीं सी मतलब इन्ना शौक है ना पता सी, लेकिन उन्हें आख्या अज जिहड़ा ना शुरुआत ही है मेरी, और इस तरह मतलब है कि असी पहले भी कटिंग शटिंग करके फिर बंदे नूं अच्छी तरह तैयार श्यार करके फिर भेजते होंने। मैं कहा चलो तू अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन शौक पूरा करद करद मेरा शौक पूरा हो गया, तो पेंड समझो कि
150 रुपए च असी जिहड़ा वाल कटाई और दाढ़ी शाड़ी बनवाई देंदे सत, इत्थे उन्हें 300 रुपया लिया है। तो बहरहाल 100 बाद लिया, तो मैं नहीं पता भाई मैं किस तरह का लग रहा, ना मैं शीशा वेख्या है, उत्थे ते अंधेरा जा गया सी। तो बहरहाल तुसी दस देना कि मतलब दाढ़ी भी ज़्यादा उन्हें बरीक कर दी है, दाढ़ी थोड़ी बरीक करा रही थी, उन्हें ज़्यादा कटिंग कर दी। तो असर का टाइम हो रहा हूँ, कुछ देर जरा ठहर के नहा लेने, नहा के फिर जरा नमाज पढ़ के फिर वो मंजी का पता करांगे। माशाल्लाह बच्चे नू शौक लगन दी देर है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक नू रंग लावे। आपे ही अल्लाह कीता अज पहली दफ़ा, बल्कि मेरे नाल ही कई दफ़ा गया मस्जिद और अजे तक उन मतलब नमाज वगैरह आँदी कोई नहीं, लेकिन शौक तो है ना बच्चे नू। ते ए तस्बियां ही तस्बियां गाले च पाई खलोता है जिवें पीर बनया। और मैं नहाण लगा ही सां ते लाइट जिहड़ी ना चली गई है, लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाइट मेरे ख्याल शायद आवे ही ना, उन्ना चिर नू नमाज असर जिहड़ी ना कज़ा हो जानी। मेरा दिल है नलके ते ही ना लवां, लाइट नू वेंदा रहा ते फिर शाम ही पै जानी। मोटरसाइकल जिहड़ी मैं वो सामने खलवाई सी उहनू बस धो ही रहा सां ते लाइट जिहड़ी ना चली गई, फिर उहदे उत्ते टैंकी वाला पानी जिहड़ा माड़ा मोटा छिड़क दित्ता। तो बहरहाल अच्छी तरह धोप गई है, लेकिन मैं नहाण तो रह गया। अम्मी और बना रहे ने शाम का खाना, और की अम्मी अज पक्कू है आलम शेर आसमां की करू है सबक पढ़ना, मैं आखा नमाज पढ़ू है, नमाज आंदी नहीं है। मैं सुबह तू इंशाल्लाह कोशिश कर सकता तो नमाज सिखावण दी, और मोटे नु आख्या कर पढ़ी करे, और मैं उठाया करता हूँ। अलहमदुल्ला नहा धो के हो गया रेडी, और अली नु मैं क्या इन्दे उत्ते जड़ा घुट के कपड़ा मार देवे, क्योंकि इन बाद मारनी पालश तो इन्दे उत्ते दाग वगैरह ना रह जा, इन गिला किसे जगह ते भी ना एक जर्रा भी पानी दा ना हो, ठीक है ना। चैन कवर ते और अपरा चंगी तरह मार दे कोई कपड़ा। और बकरी फिर इधर नु चली गई है, आसिया किधे गई मुहम्मद अली, बकरी फिर इधर चली गई, अगे तो चिकी है हूँ इधर आ गई है, हौली हौली बाहर निकली जाती है। आसमां की क्लास लगी खड़ी है कि किस तरह पढ़ाई कर दी है, किस तरह की पढ़ाई कर दी, ठीक ही पढ़ती, सही नहीं पढ़ती, सही तुसी आप पढ़ाया करो ना पढ़े तो मैं इत्थे फाय लगा, और टीचर ही बस 6-4 दी हैगी ओनु शायद आंदा नहीं, तां बस लफा जान ने ये और ते मीम तम ये मीम यम ए आ लफा पढ़ेंदी ने ते मीम पढ़ी जाओ ये मीम ओ सिर्फ इस तरह पढ़ांदी, नहीं सही तरह पढ़या करो आप। मम्मा दली नु सबक दियो ते इनु भी दियो, अच्छा अगे अगे दाल 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 रा जा सीन शीन ए हजे समझो के अलिफ बात ही लगा फिर दा। माशाल्लाह अली ने मोटरसाइकिल चमका दिती है, और ओने दे उत्ते मारने है कॉस्मिक पालश, क्योंकि इन्दे नाल जंग वगैरह जल्दी नहीं पैंदा, और पालश एक बार मार दीवे ना फिर तकरीबन हफ्ता पूरा इन्दे उत्ते मिट्टी घट्टा भी पवे भी ना एडा महसूस नहीं होंदा हैगा। और इहदे सारे जने रल मिल के रोटियां बना रहे, लगदा है आसिया दी सुलह हो गई है, और शाम पै गई है अज जड़ा ना मंजी अले जान ही कोई नहीं होया, ना उस बाई का फोन आया, ता करके असी नहीं गए, मतलब है कि सानू फेरा ही ना पवे। तो उस बाई का मतलब है कि कोई बीमार होया होया सी गया, मरीज हैगा सी हस्पताल, तो उन्होंने पहले फोन किया तो उस आखिया मैं फिलहाल जड़ा ना इतने आया हो, जो मैं मंजी थोड़ी तैयार होगी तो फोन कर देसा, अजे तक उनका फोन वगैरह नहीं आया, चलो सुबह पता कर लवेंगे इंशाल्लाह, चलो रात जरा ना वो औखी सौखी कर लेने। बाकी अबू होर का कलाम तुम्हें सुनवाने, अबू होर को 2-4 जो फिक्र सुनवाए, अबू जेड़ा तुम्हें अच्छा लगता है ना कोई अपनी मनपसंद 2-3 फिक्रे जो सुनाओ, क्योंकि
काफी सारे जड़े बहन भाई है ना वो तुहानू ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि कल एक बहन कमेंट कर रही है कि बाबा जी का कलाम हर रोज आना चाहिए, हर रोज जेड़ा भी आंदा ना जेड़ा भी मतलब ज़ेहन ते ना तुहाडे ओ सुना दियो तां बंद करो एदू धुआं जेड़ा ना ओ देव दे छड्डी आउंदे भई जिवें जिन पे निकलदे ने साडे। पक नहीं गईयां रोटियां? हां जी अबू की सुनाऊ हुण तुसी कलाम बाहु चार मिसरे सेम सुनिना नहीं जो सेले सलाम दे मोले अच्छा चलो जेड़े भी ज़ेहन ते आए ना वो सुना दियो। अलफ अल्लाह ते जंबे दी बूटी ते मन विच मुरशद लाई हो नफी अस बात दा पानी मिलया ते हर रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मजा ते जा फुलन दे आई हो सदके जावा सोने मुर्शद तू मैं जैसे बूटी लाई हो माशाल्लाह क्या बात है। शाम निकले हैं शहर ले क्योंकि मंजी तो बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं सी पता कर देखते हैं अल्लाह करे भाई बैठा होवे तो कोई ना कोई जरूरत पई होगी चाहे मोर किसी पई होती लह के आनी है तो पैसे कल देते हैगी जी दुकान भाई मंजिया आले दी और ये बंद होई पई आ पूरा बाजार छोड़ के इन्हां नूं ऐ ही बंदा लभिया सी ना इन्हें हम दुकान खोलनी टाइम ना तो ना मंजी तो मिलनी ठीक है ना समझो कि सानू मुख अद्दा ही फेरा पिया है।